लॉकडाउन का ये पीरियड डॉक्टर अशोक सेठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम इसमें अपनी तैयारी को कैसे पूरी तरह से एफिशिएंट तौर पर उस लेवल पर रखें ताकि अगर हम लॉकडाउन में ढील देने के बारे में फैसला लेते हैं तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तैयार रहे। हम रोज अपडेटेड आंकड़े दिखाते हैं विश्व के, एक बार फिर से वो आंकड़े दिखाइएगा। हम दिखा रहे हैं कैसे अमेरिका में अकेले 22,000 और अब तो अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे विश्व के जो आंकड़े हैं, जो बार चार्ट है वो दिखाइएगा, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार आंकड़े विश्व के बेहिसाब बढ़ रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये बहुत डराने वाला है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए ही हर मुमकिन तैयारी जरूरी है। डॉक्टर सेठ, अंजना जी, तीन बातें कहूंगा अगले दो मिनट में। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा और जो हिंदुस्तान ने अब तक अचीव किया, आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड ने निकाला स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, कितनी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रिक्टली एनफोर्स या चीजें या पॉलिसीज लाए जिसकी वजह से रुका हिंदुस्तान, वो 100% पे चल रहा है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, जिसकी वजह से हम ऐसे बैठे हुए। और यूनाइटेड किंगडम तो अभी भी 72% पे चल रहा है और इटली जब 50,000 लोग अफेक्ट हो गए थे तब कहीं जाके कुछ 70% स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स पे आए थे। इम्पॉर्टेंट बात इसका मकसद ये है कि अगर लॉकडाउन आया और चला तो उसका सिन्हा साहब भी बताएंगे कि अगर 70% हम कंप्लायंस करते हैं तो वो लॉकडाउन अनसक्सेसफुल होता है, 80% कंप्लायंस से उस लॉकडाउन को 2 महीने होना पड़ता है, 90% कंप्लायंस से 6 हफ्ते होना पड़ता है। तो हमें चाहिए 100% कंप्लायंस, तभी ये लॉकडाउन एफिशिएंटली इन आंकड़ों पे रह सकता है, पहली बात। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के साथ हम सब चलें। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन से निकलने के लिए टेस्टिंग की बात हो रही थी और सब कोई हम लोग सेटिस्फाइड हैं अब तक की टेस्टिंग हो रही है, उतनी नहीं हो रही है जितने जितनी कोरिया में हुई या दूसरी कंट्रीज में हुई, बट अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि जब लॉकडाउन को रिलीव करना होता है तो फिर कम्युनिटी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पता हो कहाँ पे हॉटस्पॉट है, कहाँ से इन्फेक्शन बढ़ सकता है और कहाँ से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब वो ज्यादा जरूरी हो जाएगी पहले नहीं। और तीसरी बात कि अब हम पोस्ट कोविड टीरा में आएंगे तो जो हमने सही बातें अब सीखी हैं, आइसोलेशन, हैंड वॉशिंग टेक्निक, एक दूसरे को नहीं छूना, सोशल डिस्टेंसिंग, जिस तरह से हम अब भी जिसमें रह रहे हैं कि जितना हम गवर्नमेंट को हेल्प सके, ये हमारा एक ऑटोमेटिकली हैबिट बननी चाहिए जो कि कई हफ्ते, कई महीनों, कई साल तक चल सकती है, जो कि तभी हम इसको कंट्रोल में रख सकेंगे। ये हमारे साथ सडनली गायब नहीं हो जाएगा, ये वायरस हमारे साथ रहेगा, कभी भी रिजर्व कर सकता है चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसीलिए जो हमने अब अच्छी बातें सीखी हैं, आइसोलेशन, हैंड वॉशिंग, कॉफ की जो हमने अपने एटिकेट सीखे हैं, डिस्टेंसिंग के सीखे हैं, मास्क पहनने के सीखे हैं, हमने सब अच्छी बातों को कई महीनों तक कैरी ऑन करना है, तभी इसको हम डिफीट कर पाएंगे। जिस ऑक्सफोर्ड की स्टडी का जिक्र किया वो मैंने शुक्रवार को अपने कार्यक्रम में चलाया था, इसीलिए फुल फ्रेम ये दिखाकर डॉक्टर भंडारी आपसे मैं सवाल करूंगी। ये देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क जो उसी जिसको आप कह सकते हैं सख्ती का इंडेक्स बनाया गया था ऑक्सफोर्ड की इंस्टीट्यूट के कॉलेज की तरफ से, 11 पैमाने उसमें बनाए गए थे, उसमें अमेरिका 66.7 अंक ला पाया, इंग्लैंड 71.4, स्पेन 90.5, इटली 95.2, जर्मनी 81, साउथ कोरिया 81, लेकिन भारत को, इसराइल को, मॉरिशस को, कुछ देशों को 100 अंक मिले। और उसमें क्या क्या पैमाने थे एक बार जल्दी से दर्शकों को बता देती हूँ, उसी पर मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि चाहे वो जागरूकता अभियान हो, चाहे लॉकडाउन हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंद होना, या फिर जो सार्वजनिक आयोजन है उनका बंद करना, या फिर निवेश करना वैक्सीन में, दवा के रिसर्च में, इन सब में भारत को ये मार्क्स मिले थे, ये अंक मिले थे। कल पीएम बोलने वाले हैं, सबकी नजर रहेगी कि हिंदुस्तान का आगे का प्लान क्या होता है। ये जो मार्क्स 100 मिले थे ये बता रहा था कि हम सख्ती से इसका मुकाबला कर रहे थे। डॉक्टर भंडारी, मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लॉकडाउन कपल्ड विद गुड टेस्टिंग का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। हम लोग लॉकडाउन को इतना प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं जिसके कारण स्प्रेड नहीं हो पाया है और इसको अब राइजिंग टेस्टिंग ट्रेंड हमको मिल हेल्प कर रहा है
और एक्सेसिव टेस्टिंग होने से सबसे बड़े दो फायदे हैं, एक तो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर्स यानी कि जिनको कोई भी लक्षण नहीं है बट वो सोसाइटी में इसको स्प्रेड कर सकते हैं, सेकेंडली हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं, अगर कहीं पे हॉटस्पॉट डेवलप हो गया है या कहीं पे बहुत अधिक केसेस हो गए हैं तो भले ही हम टेस्टिंग के स्टेटिस्टिक्स से प्रभावित नहीं हो, टेस्टिंग्स में अगर कुछ हॉटस्पॉट पर्टिकुलर एरिया में परसेंटेज ज्यादा आता है तो उससे हम प्रभावित नहीं हो, बल्कि उससे हमको एडवांटेज ही मिल रहा है कि हमको सुपर स्प्रेडर्स पता लग रहे हैं, हमें उनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग्स का पता लग रहा है, उनका कहाँ मूवमेंट हुआ इसका पता लग रहा है। अतः कंप्लीट लॉकडाउन और एक्सेसिव ट्रेसिंग का एक इतना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, इसी के कारण हम लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। दूसरा, कोरोना वायरस का एक वेरी टिपिकल करेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वायरस अनलाइक स्वाइन फ्लू वायरस अगर किसी हार्ड सरफेस पे गिर जाता है तो कुछ दिनों तक ये लाइव रह सकता है। अगर हमने लिबरली लॉकडाउन खोल दिया और कहीं सुपर स्प्रेडर्स और इन्फेक्टेड पेशेंट पब्लिक प्लेसेस में आ गए जहाँ पे इसने हार्ड सर्फेसिस को इन्फेक्ट कर दिया, कहीं हमारी जो सैनिटाइजिंग जो प्रोटोकॉल्स में अगर चूक हो गई तो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंडली, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब गर्मी का मौसम आ गया है, अगर कहीं पे भी कोई कॉन्ग्रीगेशन हो गया, पब्लिक गैदरिंग हो गई, वहाँ पे अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक लोग उस पब्लिक गैदरिंग में आ गए और सेंट्रल एयर कंडीशन या सेंट्रल कूलिंग चल रहा होता है तो इसमें इट इज़ ए डॉक्यूमेंटेड रिस्क कि अगर कहीं कोई कॉन्ग्रीगेशन जिसमें एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स आ गए और वहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एयर और एसी और कूलिंग सिस्टम है वो दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक टेस्टिंग के जिसके द्वारा एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर्स को हम चेक करें, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करें ताकि हम और सोसाइटी में स्प्रेड को कंटेन कर पाएं। और मुझे लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हुए सारे स्टेटिस्टिकल ऑक्सफोर्ड स्कोरिंग सबको एनालाइज करते हुए आई थिंक वी शुड ऑल स्टिक फॉर ए हेल्दी कंट्री लॉन्ग लाइफ एंड आई थिंक वी शुड प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो ये सिनर्जिस्टिक एडवांटेज है मैम, दैट मोर द टेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स से आप प्रभावित नहीं हो कि इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, बट ये पॉजिटिव ज्ञात होना इसका एडवांटेज है मैम। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी शुड क्लब बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स। बिल्कुल।